खैर बाबा जी, आज आपको भाई फिर सुबह 7 बजे उठ चुके हैं क्योंकि आपके भाई के हो रहे हैं पेपर। किस सब्जेक्ट का पेपर है ये तो मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल भी। बाबा जी कला जी, सॉरी सॉरी, बस तो मैं गयूं लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगा तो नहीं बाद में। बड़ा प्राण ना ले कला ना समझी, कर उकट के मारेंगे चलो ना समझी। बड़ा प्राण, ये जो हमारे बड़ा प्राण ना ले, इन्होंने गाड़ियों की आवाज निकालने का एक बहुत अच्छा कोर्स किया हुआ है। अभी बैड न्यूज ये है कि फादी भाई की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए आज फादी भाई का ब्लॉग हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारी लावा भी आ गई, हमारी ब्लड प्रेशर भी आ गई, साथ हमारा एक आखिरी गुड्डा बचा, ये हमारी आखिरी उम्मीदवार है। अल्लाह खैर करे। इट्स योर बॉय। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यार, आपको भाई भी मजे में और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले तो यार, तुम लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आओ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके आओ, और अपने चाचे मामे ताए खुबी के पुत्र के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाओ शेयर करके आओ। आपके भाई के हो रहे हैं पेपर, यकीन मानो आज किस सब्जेक्ट का पेपर है तो मुझे पता ही नहीं है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। तैयारी शायरी तो आपके भाइयों ने की नहीं है, ठीक है बिल्कुल भी, लेकिन आपका भाई पास होकर दिखाएगा और वो भी अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाएगा। खैर बाबा जी, आपकी बहन ने रात को ही ना ग्रुप में मैसेज कर दिया कि सारे लड़के जो हैं ना, अपने अपने बंदे जो हैं ठीक, वो सुबह इकट्ठे होंगे ठीक है मेरे घर के बाहर, और यहाँ से हम लोग ना सारा टोला बना के जाएंगे स्कूल और ब्लॉग भी बनाएंगे। खैर मैंने ग्रुप में कॉल किए ठीक है, सारे लड़कों ने कॉल सुन ली, अब सारे लड़के नीचे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से बाबा जी एक दो तो आ भी गए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो आपके दिल के बहुत करीब है। बड़ा प्राण ना ले कला ना समझी। बाकी एक दो लड़के और हैं, उनका इंतजार करते हैं, लेकिन बाबा जी सबसे पहले आप लोगों को जाके ना वड़ा प्रा से मिलवाते हैं। चलो बाबा जी, ये हमारे आ गए, इसके इतना कोई बड़ा कीड़ा है, मैंने सब बकवास भी की है, मेरा अब्बा बिल्कुल साथ बैठा हुआ ठीक है, कोई ऐसी वैसी बकवास नहीं करनी। फिर ये सर इतनी ऊंची गाली दी है अब्बा ने मेरे आके सुन लिए, बच्चे तुझे मैंने क्या बकवास की थी, अब्बा मेरा बिल्कुल साथ बैठा, गालियां नहीं देनी। बाबा जी जो अभी है, बस तो मैं गयूं लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगा तो नहीं बाद में। वैसे पेपर किस चीज़ का? अल्लाह पास हो जाए सब। खैर बाबा जी एक काम करते हैं, लड़के जो हैं हमारे उन्हें दे रहे थोड़ी, ठीक है एक काम करते हैं, वड़ा प्राण ना ले और काला जी और आपका भाई निकल जाते हैं स्कूल, रास्ते में मिलेंगे तो फिर उन्हें साथ ही लेके स्कूल चले लेंगे। बाकी हम जरा पेपर शेपर दें ठीक है, फिर तुम लोगों को मिलते हैं वापस साथ। अच्छा तो भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, अभी के सीन कुछ इस तरह के, पेपर शेपर आपको भाई दे आए ठीक है, जुमा शुमा पढ़ ले आए। आप मिले हमारे वड़ा प्राण ना ले कला ना समझी, करू कट के मारेंगे चलो ना समझी, वड़ा प्राण ना ले कला ना समझी, कर उकट के मारेंगे चलो ना समझी। बड़ा प्राणा। वाओ तो यार आपका भाई आप आ चुका है इन द फॉर्म, यू नो अबाउट दैट मारेगी। तो यार आपका भाई अभी यहाँ पर आ चुका है, पेपर शेपर देकर आ चुके हैं। मैं सारे कुत्ते मेरे इंतजार कर रहे थे बाहर, मैंने सही पेपर तसल्ली से देकर आ गया। अच्छा यार आज के पता क्या सीन शीन है, आज सीन शीन कुछ ऐसे है यार, पेपर शेपर देकर दिमाग डिप्रेशन में चला गया, यकीन मानो एकदम डाउन हो गया, जीरो बैटरी होगी पीछे हो ना 2 मिनट। तो यार हमने सोचा यार आज चलते हैं बाहर घूम शूम के, शुगर में लगाते पब्लिक को भी दिखाते हैं। तो बाकी के अभी आगे सीन आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा सीन पता क्या चल रहा है यहाँ पर, जिससे देख कर मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, ये यहाँ पर एक बार शर्ट उठाना यार। एक बात तो बताओ यार, यार आपको संगी किधर गया यार? दिल दा यार सिंगी पादी पादी किधर गया है? ऑटो शॉप पे गया हम पेपर, वो तो सही ब्राह्म ना सुन रहा होगा फिर है। और गया भी पता है किस पे है, ईके पे गया है, वो भी फुल बाम बाम ड्रैग डाउन फुल हैवी मामलात। ये जो हमारे बड़ा प्राण आज, इन्होंने गाड़ियों की आवाजें निकालने का एक बहुत अच्छा कोर्स किया हुआ है। अभी जरा गाड़ियों की आवाजें तो सुना है, जो क्लास में निकालते वो जो आगे से निकालते पीछे वो पीछे से निकालते हो आप, जरा अभी आई नहीं है मुंह से ही निकलवा। हाँ निकाल निकाल। नहीं 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 सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। खैर बाबा जी इधर हम एक मेडिकल स्टोर पे आए, यहाँ पर बास बैगी थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो उसने कोई गोली शोली ली है ठीक है, बाकी गोली शोली उसे खाने देते हैं बस, फिर आगे आप देखते हैं टी टू पार्टियां निकालने के लिए बाहर निकलते हैं। A few moments later. अच्छा तो भाई और उनकी प्यारी प्यारे बहनों, सीन्स कुछ इस तरह है कि अभी आपको भाई छत पे आ गए ठीक है, और बैड न्यूज ये है कि फादी भाई की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए आज फादी भाई का ब्लॉग हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारी लावा भी आ गई, हमारी ब्लड प्रेशर भी आ गई, साथ हमारा एक आखिरी गुड्डा बचा, ये हमारी आखिरी उम्मीदवार है। अल्लाह खैर करे, आज जैसे आसमान हमने फुल खाली कर देना, देख सकते हैं वो 12 तावा उड़ रहे हैं, ये 6 तावा उड़ रहे हैं, ये 2.5 तावा उड़ रहे हैं, और आज आपके बहने इन जो गुड्डे हैं ना, इन गुड्डों को आपके बहने इतनी छिके मारनी ना जिसकी कोई याद नहीं, पूरा आसमान खाली कर देना। वैसे तो है खाली लेकिन फिर भी बाबा जी खाली कर देंगे। बाकी हमारा एक बड़ा प्राण जी है, वड़ा प्राण ना ले, वड़ा प्राण ना ले कला ना समझी, बच्चों के साथ लगा हुआ है गाइस, ये देखें ओए क्या कर रहा है।
बाकी काम करते हैं। बाहर से मैंने टेप मंगवाई हुई, ठीक है, और टेप लेके आया था जल्दी से। इस गुड़े के ऊपर हम लोग जल्दी से टेपिंग करते हैं, ठीक है, और टेपिंग करने के बाद कंडीशन ये डालते हैं और फिर इसको उड़ाते हैं। गुड़ा तो अभी कोई उड़ नहीं रहा, एक गुड़ा वो उड़ रहा है, एक मुमची उड़ रही है, ठीक है, इसके अलावा इधर कोई गुड्डा नहीं उड़ रहा। हवा भी बहुत मजे की चाह रही है, हम उड़ाएंगे तो बाबा जी फिर कोई हमें देख उड़ाएगा। आज हमारे शरीक जो है वो भी छत पे नहीं चढ़े, वो भी चढ़ देंगे। बाकी टेप मंगवाते हैं, टेपिंग करते हैं गुड़े पे और फिर तुम लोगों को मिलते हैं। ये जी हमारे बास भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बास भाई, कैसे हो? ठीक है यार, अभी नहीं आया यार, बड़ा प्राण ना ले कला ना समझी। गाइस अभी मैं से नाराज हुआ, पता नहीं क्यों नाराज हुआ, बड़ा प्राण ना ले कला ने। सारे ये भी लावा पे हाथ बैठ गया, हमेशा नाक कटा है। आज भी मैंने केला खाया हुआ, पता नहीं क्यों खाया हुआ, लेकिन खाया हुआ है। आज फिर तो टट्टी नहीं आ रही उस दिन की तरह यार। फाजी भाई कल गए थे ऑटो शो पे तो शुगल मिला, उनको लगा होगा, जारी बात है, उनसे पूछते हैं कि क्या सिस्टम था। अस्सलाम वालेकुम फाजी भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से, मजे में है, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं? क्या कर, बीमार हुए हैं? अच्छा बीमार, ये पब्लिक को भी तो बताए ना क्या सीन था वहाँ पे। चेक करिए कि कल हम लोग गए थे ऑटो शो पे, ठीक है, व्लॉग अपलोड हो चुका है मिस्टर फाजी के ऊपर, आप लोग जल्दी से जाके देख लें। और दूसरी बात ये है कि यार दिन को हम गए थे तो मैंने धूप वगैरह थी, मैंने यही शर्ट पहनी थी, मैंने कहा यार ये जो है ना मौसम वगैरह ठीक है, लेकिन जब वापस आए हैं ना हम लोग, यकीन मानो इतनी कोई सर्दी। हालांकि आप लोगों को पता है कि वहाँ टेक्सला वाली साइड बिना रोडों के आसपास जिनसे ना दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि जब गाड़ी चली है, हवा ठंडी लगी है, उस लिहाज से तो मैंने पंखा शंखा बंद कर दिया था, लेकिन यार फिर भी पता नहीं किधर से जिनसे ना मुझे ठंड ठंड लग गई है, ठीक है। और उसके बाद मेरे अंदर जिनसे नजर ऐसी हिम्मत नहीं थी कि व्लॉग बनाऊं, मैंने आज ड्यूटी जिनसे ना फैसल को दे दी थी, मैंने कहा यार आज का व्लॉग आप संभाल लो, ठीक है, मैं तब तक एडिट वगैरह कर लूँ, पोस्ट भी करना है, सारे सिस्टम करने हैं, दो तीन काम और थे वो भी करने हैं। तो फैसल कहता चलो ठीक है मैं कर लूंगा। अब्बास भाई भी आ गए, और जी पोतरा जी सुनाओ मामू की, आजकल मामू के साथ कोई काम शाम हो रहा है? कोई नहीं, मतलब ये रेगुलर कर रहे हैं। आपको पता है काम करेगा तो पैसा कमाएगा। हाँ मेरी सारा मसला रोटी था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फैसल भाई ना ये कन्या शनिया बांध रहे, फिर तैयारियां कर रहे, किसके साथ पेचे लगाएगा, इधर तो कोई आई नहीं। यार मेरा जो है ना लाभा के ऊपर आज बैठा हुआ खाली, मेरे इस डोर से गुड्डे नहीं उड़ते, इसलिए मैं सिर्फ लाभा से उड़ा। अच्छा, लाभा करने वाली गेम वाला बंदो। अच्छा, छोटे मोटे शौक मैं नहीं करता, मैं हाई लेवल के शौक। फिर तो यार अभी लाभा पे हाथ इसका बैठा हुआ है, दरअसल पहले इसका हाथ इस पे बैठा हुआ था। लाभा ये है ना, सॉरी, पहले इसका हाथ इसमें बैठा हुआ था, फिर उसके बाद लाभा पे इसमें पेचे सही, मतलब पो हो गए, नहीं कर सकते। फिर इस पे हाथ बैठ गया इसका, फिर अगर इससे भी आ जाएगा फिर इसका हाथ उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो यार गाइस अब यहाँ पर देख सकते फैसल भाई ने यहाँ पर गुड्डा उड़ाना शुरू कर दिया है, तो आगे की सीन हम आपको दिखाते हैं। फाइनली यहाँ पर फैजी भाई ने गुड्डा तसा लिया, उड़ा लिया। अभी इसके बाद फैजी भाई किसके साथ पेचे लगाना चाहेंगे आप? अभी आवाज की तारीफ जो हमने शुरू में कर दी है ना, शुरू में ना खुश होया करो, तभी कहता हूँ। यार पता क्या बात हुई, अभी आपने पिछले क्लिप में आपको मैंने दिखाया था कि गुड्डा नहीं उड़ा था, फैजी भाई ने बोला था कि नहीं उड़ेगा क्योंकि आवाज बहुत कम थी, बिहाइंड द कैमरा फैसल भाई ने बोला यार दिल से दुआ करता हूँ नहीं है, फैसल को बोला दूसरी जुबान से बोल, मतलब दूसरी जुबान दांत, इसके दांत के भी दिल है ना उसे दुआ, ऐसे इसके दांतों ने दुआ किया ना, इसको स्पेशल गुड्डा शू करके पीछे की तरफ चला गया ना, आवाज इतनी तेज होगी। तो यहाँ पर फैसल भाई ने अभी गुड्डा तसा लिया है, तो आपको इधर दूर दूर तक ज्यादातर गुड्डे नहीं नजर आएंगे, एक वो है वो सामने आपको एक नजर आ रहा होगा, और उसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर अभी ये एक है उड़ने वाला है दरख्त के पीछे जी, और एक काला उस साइड पे दूर दूर, मतलब आस पास ना कहीं पे भी गुड्डा नहीं है यहाँ हमारे। यार वैसे भी भाई आप हमें बताएं, आपने बगैर हवा के गुड्डा किस तरह उड़ा लिया, इसकी कोई टेक्निक बता दे आप हमें। यार आप गुड्डे को पहले से यूं पकड़ो, यार अब्बास तेरी एक बात बची चली है, वही मामू वाली तेरी कोई वीडियो भी सुन लिया कर यार, हर वक्त तू येरा शुरू होता रहता है, येरा मामू लगा रहता है, ये क्या ड्रामा है येरा, नहीं येरा समझाए रहा है, हाँ ना फैसल टीवी दिखाई दी ना, के बाद यहाँ पे नहीं आता है। अच्छा नहीं, अच्छा बात सुन, अच्छा बात सुन, बस छोड़ यार, रास्ता सुना ना, पता है यार बंदे की ख्वाहिश कर दी, क्या सोच है रे तेरी, कोई मामू को कोई गलत लफ्ज है, हम तो खाली तेरे मामू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तू बोल रहा तेरे मामू वाली बात पता लगी है, तो मामू वाली बात तू खुद नहीं कहता कि मेरे मामू मेरे से बड़ा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस हमारे यहाँ पर ना इतने चर्चे हो रहे हैं हमारे मोहल्ले में
हमारे पीछे देखने के लाइव यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये देखे यहाँ पर लोग बैठे हैं, मतलब एक संग स्टेडियम बना भी देखते हैं। हमारा नाक कटवाएगा या पता नहीं क्या करवाएगा। चलो काली बोतल के साथ पीछे लगाओ। ओ फैसल भाई ने अपना गुड़ा इस तरफ कर लिया है, तो पता है क्या सीन वहाँ पर वो फरफराटा उड़ रहा है और ये फैसल भाई का गुड़ा है लगे हैं इस फरफराटे को, तो देख सकते हैं यहाँ पर छिक 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 क्लैपिंग हो जाए मेरे भाई के लिए, फैसल भाई के लिए। फैसल भाई ये कहाँ से आपने सीखा? ये पता क्या था, ये डोर का मसला था, डोर का नहीं, लाबा लाबा पे इसके हाथ बैठा हुआ था। लाबा ये वाली लाबा की मैं बात कर रहा था। आगे अबू ने तेरे ये लगाया हुआ था, दूसरी थी ना, आवाज नहीं थी असल में। 10 रुपए दूंगा, ठीक है, आवाज नहीं थी, ठीक है। रेट बड़ा चलो 15 रुपए यार, 15 रुपए 20 रुपए 15 चल 20 रुपए ठीक है, 30 रुपए नहीं ज्यादा, चल 25 रुपए चल 25 रुपए ठीक है, 25 रुपए पागल। 25 रुपए कम है तो गाइस पता क्या सीन हुआ था, पक्का है ना, डील डील है, 25 ठीक है। अभी मैं सांस नहीं ले पा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही कम है, हवा को तो छोड़ो ऑक्सीजन ही इतनी कम है। इसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है फैसल भाई, सच बोलूं तो बिल्कुल भी कसम गलती नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मैं काले को बुलवाता हूँ, कसम उठवाऊंगा उसे। क्यों जी? सही बात है यार, हवा नहीं थी, आप खांसता भी नहीं ना रहा, हवा नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से होगी। हाँ यार बाकी बातें छोड़ो, दफा करो, मुझे इससे यही उम्मीद थी कि इसने क्या करवाना था। बाकी बात 25 रुपए किस बात के दिए मैंने तुझे? मैं वो दूसरी बात कर रहा हूँ, नहीं बात चेंज टॉपिक टॉपिक सॉरी सॉरी यार सची में अभी सांस थोड़ा बहुत सही हुआ। अच्छा तो गाइस यार सीन्स कुछ इस तरह क्या क्या आप लोगों ने व्लॉग श्लोग एंजॉय किया होगा, ठीक है। हबीब ने और फैसल ने मेरा व्लॉग बनाया, अभी भी मेरी तबीयत एजेंसी है ना उस लिहाज से इतनी खास ठीक नहीं है, लेकिन यार इतनी हिम्मत थी कि मैंने कहा कि यार मुझे दे मोबाइल, व्लॉग मैं ऐड कर देता हूँ, फिर एडिट करके जोन से ना पोस्ट कर दी, कहता ठीक है कोई मसले वाली बात नहीं है। होप्स हो कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, शुगर मेला भी लगा, गुड़ा भी उड़ा, मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या सिस्टम नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग, ठीक है। तो बाकी यार मिस्टर फादी के ऊपर हम लोगों ने ऑटो शो वाला व्लॉग अपलोड कर दिया, जल्दी से जाके देखो वहाँ पे ना गाड़ी को आग भी लग गई थी और बहुत ही मजे के जोन सा ना व्लॉग बना हुआ है। आपका भाई पिंडी अंडरग्राउंड की गाड़ियों के साथ गया था, मैं कहता हूँ यार बहुत ज्यादा मजा आया, जल्दी से जाके वो वाला मिस्टर फादी वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, मैंने जो व्लॉग अपलोड किया है ऑटो शो वाला वो लाइक भी कर दो, कमेंट के अंदर डन भी लिख दो, और आपको गिव अवे का तो पता ही है ना, गिव अवे के लिए भी जो ना आप लोग मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शटर डाउन रोजी थोड़ी पर है रिस्क ज्यादा, हालत हो नाजुक फिर भी लेने हमने रिस्क ज्यादा, मुश्किलों से घिरे बैठे लेकिन चेहरे मुस्कुराते, जिंदगी फिल्म है छोटी लेकिन इसकी किस्त ज्यादा। दिस इज 051 आपका हाशिम भाई माइक पर।